ना चाहते हुए ट्रेंडिंग में आ गया हूँ। कभी अपने आप को इतना बड़ा आर्टिस्ट समझा नहीं है। मैं भी इंटरव्यू देता जा रहा हूँ। क्या क्या सोच के इंटरव्यू दे रहे हैं? चाहता नहीं था आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ना। वो कहते हैं ना, ज्यादा मीठा कड़वा हो जाता है। जब कोई छोड़ने वाला वापस आता था वो मुझे पीछे फेंक देते थे। मेरी आदत नहीं है कहना, मैं चुप रहता हूँ। पहली सैलरी ली थी वो कितनी थी? वो मिलियन से बात थी। मैंने आज तक नहीं कहा मेरी सैलरी बढ़ाई। पाकिस्तान से जब मैं गया हूँ उस वक्त भी मेरे पीछे 3 चैनल्स थे। हाँ, चाहते हुए ट्रेंडिंग में आ गया हूँ। मुझे नहीं पता था इतना शोर पड़ जाएगा। आपको अंदाजा तो था ना? नहीं, अंदाजा नहीं था। मैं कभी अपने आप को इतना बड़ा आर्टिस्ट समझा नहीं है, और ना मैं हूँ। बस ये आफ्ताब इकबाल साहब चूँकि खबरों में रहते हैं और उनका माशाल्लाह शो भी बहुत देखा जाता है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ उर्दू पंजाबी समझी जाती है, तो बस छोड़ के आया हूँ। तो उस दिन से एक इंटरव्यूज़ का एक भरमार है। मैं भी इंटरव्यू देता जा रहा हूँ। मैं किसी को नाम क्या क्या सोच के इंटरव्यूज दे रहे हैं? कुछ नहीं, नाम ही ना हो रही किसी को। अच्छा ये बताएं कि अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा देर उस शो पर स्टे बबू राणा ने किया, जी ऐसा ही, जितने बड़े अदाकार हैं, आगा माजिद, हनी अलबेला, अपना जितने भी बड़े नाम ले लें, ये आए कुछ देर रुके चले गए फिर वापस आए, बबू राणा गए तो 9 साल फिर वहीं पे गुजार दिए, और फिर अचानक कैसे फैसला हो गया? ये मैं ना चाहता नहीं था आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ना। अच्छा, मैं बड़ा इस बात पे वो कायम था कि नहीं छोड़ूंगा। तो बस ये एक बात तो ये है कि जितना दाना पानी लिखा हो इंसान का जहाँ पे, इसमें मेरा अमल दखल नहीं है, बस एक बहाना बनता है। एक तो ये रीज़न है, ठीक है। सेकंडली रीज़न ये है कि वो कहते हैं ना, ज़्यादा मीठा कड़वा हो जाता है। वो हो गया था, वो होना शुरू हो गया था इससे पहले कि अब थू करना पड़ता। थू करना पड़ता, हाँ। तो मैंने इसलिए ये स्टेप उठाया। तो अक्सर लोग तो काम करते हुए कड़वे घूंट भी भरते हैं, कड़वा घूंट भर लेते? वो मैंने कभी नहीं भरा। अच्छा। अरे यहाँ से नीचे नहीं जाता, ये वजह। लेकिन मसाइल थे क्या? अगर हम स्क्रीन पे देखें या जो हम शो देखते हैं वो 40 मिनट का, उसमें अगर ये कहा जाए कि सबसे लाडला फनकार उसमें बबू राणा था, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कह सकते हैं आप, ऐसा ही है, ऐसा महसूस होता था। हालांकि वो जो छोड़ के जाते हैं उनको ज्यादा मिस करते हैं, ये कैसी बात है? यानी उनका जिक्र ज्यादा होता है? उनका जिक्र ज्यादा होता है, उनके बारे में वो बात भी नहीं सुनते। कोई अगर उनके बारे में बुरी बात कर रहा हो, हाँ, तो वो आगे से कह देते हैं कि नहीं ऐसा ना कहो। इसी की वजह है? आई डोंट नो। तो इससे कभी फील हुआ कि यार मेरी वैल्यू कम है? यस, अक्सर ऐसे होता था जब कोई छोड़ने वाला वापस आता था वो मुझे पीछे फेंक देते थे। वो आपका फ्लैंक चेंज होता था, पीछे चले जाते थे? हाँ जी, अक्सर ऐसे भी हुआ कि एक सेगमेंट में करता था SHO का, जमील जैदी मेरा करेक्टर था। जी जी जी। वो जाने के बाद मैंने को 2-3 साल किया, तो जब वो हमारे एक मेन आर्टिस्ट वापस आए उसी दिन उन्होंने मेरा वो गेटअप चेंज करवा के कहते तुम्हारी डिमोशन हो गई है तो तुम फिर खड़े हो जाओ सीट पे, उसको बिठा दिया। हालांकि वो शो जब वो आके सेट पे बैठा वो फिक्का तरीन शो था। वो कौन आर्टिस्ट वापस आया था? वो भी था, उसको पता है जिसको मैं कह रहा हूँ। तो आपने इसमें कोई एहतजाज नहीं किया? ये तो पाकिस्तान का वाक्य, पाकिस्तान का वाक्य। एहतजाज मैं, मेरी आदत नहीं है कहना, मैं चुप रहता हूँ। लेकिन रवैये में तब्दीली तो आ जाती है ना? रवैये में जारी बात, मैं इंसान हूँ। लेकिन ये महसूस नहीं किया गया, आगे से इसको फील नहीं किया गया? तो इसमें कोई पैसों का मामला भी था? नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं था। जब बबू राणा ने पहली दफ़ा आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन किया और जो पहली सैलरी ली थी वो कितनी थी? मेरी तकरीबन 1 लाख थी। 1 लाख थी जी। और अब जो आखिरी सैलरी ली तो इससे कितने गुना ज़्यादा हो चुकी थी? वो मिलियन से अबव थी। मिलियन से अबव थी। तो ये आपकी मर्जी पे बढ़ती थी या उन वो खुद से बढ़ाते थे? मैंने आज तक नहीं उन्हें कहा मेरी सैलरी बढ़ाएं। हाँ, मैं उनको ये कहता था कि सर मुझे फलां जगह से ऑफर है, ठीक है। तो अव्वल तो मैं नहीं कहता था, उनको पता चल जाता था कि भाई इसको ऑफर आ रही है, तो वो मुझे खुद कहते थे कि हाँ भाई तेन उधरों ऑफर आ रही। मैं कहना जी, तो मैं कहते सर मैं नहीं जाना, बहरहाल मैंने इन्ने पैसे कह रहे ने, उस हिसाब ना फिर मिलया जुलया जाने एक निजाम मेरा, कुछ ऊपर नीचे कर देते थे, ऊपर नीचे कर देते थे। तो जितने पैसे भी मिल रहे थे कि आपके लिए बेहतर थे, ठीक थे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थे। जब मैं यार 1 लाख रुपया कमाता था ना उस वक्त भी बेहतर था। मैंने आज तक किसी से हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत की है। जब मैं लाहौर में नया नया आया हूँ 2005 में, मैं यहाँ स्टेज भी करता था और अपने दिन को मैं काम भी करता था। मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर तेल भी बेचा हुआ है, ये जो गंदा ऑयल होता है इंजनों का। तो मेहनत में मैंने कभी वो नहीं किया कि मैं मेहनत नहीं कर सकता, या खुदा ना खासा अब भी अगर कोई मौका ऐसा बन गया तो मैं कभी मेहनत से भागूंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजदूरों का बच्चा। यानी पैसे मसले नहीं, मसला नहीं था? मसला नहीं था यार, कुछ ना इंसान की होती है ना कि यार मैं इतनी वफा कर रहा हूं, रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा था।
तो जहाँ इतनी मोहब्बत हो बहू भाई, वहाँ बंदा गिला भी तो कर लेता है। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, कोई सुन नहीं रहा था। जब यहाँ से आप गए, पाकिस्तान से जब गए, मूव किए, वो क्या हालात थे वैसे, ये तो बताएं। पाकिस्तान से जब मैं गया हूँ, उस वक्त भी मेरे पीछे तीन चैनल्स थे कि ना जाएं, ना जाएं। सबसे बड़ा चैनल दुनिया टीवी मेरे पीछे था। ओके। उनका जो अभी नया शो शुरू है, उसमें उन्होंने मुझे कहा जी इतने पैसे हम किसी को भी नहीं दे रहे, इतने आपको ऑफर किया, आप ना जाएं। मैंने कहा नहीं यार, मैंने आफताब साहब के साथ मरते दम तक रहना है। जी, कहा आपने उनसे? मैंने कहा, मैं कहा मैंने छोड़, मुझे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं काफी, नासिर चिनोरी साहब जी, जी उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम्हें अच्छी ऑफर मिल रही है, सो मिस ना करो, छोटी सी मार्केट है, लोग खिलाफ हो जाते हैं। तुम कितने चैनल्स को इनकार करोगे, पर यही छोटी सी मार्केट है, बिल्कुल बुलाना छोड़ देगा, लोग बुलाना छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं यार, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता, चले गए बाहर। मेरे कभी भी ये दिल में नहीं थी कि मैं उनको छोड़ूंगा। वो हालात क्या थे, यहाँ क्यों नहीं रह सकते थे, प्रोग्राम यहाँ क्यों नहीं हो सकता था, आपसे क्या कहा गया? हमसे कुछ नहीं कहा गया, उन्होंने यही कहा कि हम बाहर जा रहे हैं और वहाँ जाके हम इंशाल्लाह ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो छः महीने मैंने वेट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो क्या वादे थे? यही होता है ना कि वहाँ जाके हम बड़ा काम करेंगे, हम वहाँ बहुत ह्यूज सेट लगा रहे हैं, हमारे साथ इंडियन कोलैबोरेशन हो रही है और कपिल शर्मा आ जाएगा। अच्छा, ये भी कहा गया? हाँ, ये उन्होंने अनाउंस भी किया एक शो में। अच्छा, कि कपिल हार के नाम से हम शो करेंगे। हर बंदे को अपनी होती है कि यार चलो आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ छः महीने मुझे बैठ के ऐसे लग रहा था कि जैसे एक तो हमारा काम स्टार्ट नहीं हो रहा था, हम व्लॉग कर रहे थे, कभी उठे बह गए, कभी उठे बह गए, कभी समंदर, प्रॉपर काम नहीं था, प्रॉपर काम नहीं था। फिर जब प्रॉपर काम ना हो, हम चूँकि सेट पे खेलने वाले बंदे हैं, उनके चैनल की व्यूज़ भी काफ़ी गिर गए, तो फिर मेरे भी कहीं ना कहीं ये दिमाग में बात थी कि यार हुण ते लोग मैनू बुला रहे ने पाकिस्तान, एक टाइम आना मैनू किसी ने नहीं बुलाना, तो मैं इस टाइम नू यूटिलाइज करा। तो तब आपने फैसला किया? मैंने तब ये फैसला किया। आपने अपने कुछ इंटरव्यूज में कहा कि मैंने नहीं छोड़ के आना था, मैं तो अपने एक अजीज की शादी का कह के पाकिस्तान वापस आया, और मेरे पास वीजा मैंने अपना लगवाया 2 साल का। अच्छा, ये आपने खुद लगवाया? जी, मैंने खुद लगवाया। जिस कंपनी में, उनकी कंपनी ने, प्रोडक्शन कंपनी, उसने लगवा के नहीं दिया? उसने 4 महीने हमें कहते रहे वीजे लग रहे हैं आपके, वीजे लग रहे हैं, वीजे आप सब कहते रहे। हाँ जी, और हमारी डील भी यही थी कि हम जाया करेंगे और 20-22 दिन बाद आपको पाकिस्तान भेजेंगे। ठीक है, 8 दिन घर रहे, फिर आ जाए वापस, ये हमारी डील थी। जाती डील थी। लास्ट टाइम मैं जब गया हूँ तो 4-4.5 महीने मैंने खुद भी नहीं उनको कहा और उन्होंने भी नहीं मुझे कहा कि यार तुम जाओ। अब फिर वही बात आ जाती, छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है यहाँ पर, एक घर, फिर हमारे घर में वो कह ले मेरे अम्मी अबू भी नहीं है जिंदा, ना को मेरे साथ कोई बड़ा भाई रहता है, तो ना मेरे को लाहौर में इतने ज्यादा रिश्तेदार हैं। तो वाइफ और बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा था? वाइफ और बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा था। तो हालांकि मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया, उसने मुझे एक दफा भी नहीं कहा कि आप छोड़ के आ जाओ। उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने मुझे, बच्चों ने कभी कहा कि? बच्चे तो जारी बात, छोटे बच्चे मिस करते हैं, पापा कब आना है, ये करना। मैंने 4.5 महीने उधर रहा हूँ और मैंने एक दफा मेंशन भी किया कि सर मैं खुद नहीं आपको तंग करना चाह रहा, लेकिन देखें 4 महीने हो गए, आपको खुद कह देना चाहिए, आपको खुद कह देना चाहिए अगर मैं नहीं कह रहा हूँ यार, चक्कर लगा के, यार चक्कर लगा, या तो बहुत काम की मारा मार हो ना, तो फिर मैं उधर रहता हूँ। और फजूल बैठ के सैलरी खाना भी मुझे तो ये भी पसंद नहीं था, ये भी नहीं पसंद। अच्छी बात थी, पैसे मिल रहे हैं, व्लॉग बनाया दिन में एक, और दुबई घूमा, शारजा घूमा, अंदर से मुतमईन ना होता हूँ, समझे? नहीं, मुझे क्या था, मैं बैठा रहता, सैलरी दो, सैलरी दो, मैं खाई जाता। जब व्यूज गिरे तो सैलरी पे कट लगने भी कोई बात हुई? नहीं, कोई कट नहीं लगा। वो सैलरी जो इन्होंने इतने साढ़े जो तय थी वो उन्होंने दी, मिली।